दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एएमडी राइजन 5 लैपटॉप्स के बारे में। अगर आपका बजट i3 से ऊपर i5 का लेने का है और आप सोचते हैं कम बजट में i5 आज और बेहतर परफॉर्मेंस दे, तो आप i5 के जगह पर अगर आप राइजन 5 बाय करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस उससे कम प्राइस में और उससे बहुत ही ज्यादा मिलने वाली है। तो अगर आप एक बेस्ट लैपटॉप चाहते हैं कम प्राइस में, i5 से सस्ता हो बट परफॉर्मेंस में i5 से बेस्ट हो, तो आप राइजन 5 बिल्कुल आंख बंद करके सेलेक्ट कर लीजिए। आपको एक जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलेगा, वर्किंग में आपका एक्सपीरियंस जबरदस्त होने वाला है। तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आप इसे प्रॉपर समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमेशा अपने आप को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड अपग्रेड्स रखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं राइजन 5 के लैपटॉप्स के बारे में। तो यहां पर जो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वो है Asus VivoWorks 15 का ये वाला मॉडल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले लोग समझते थे कि AMD के जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं वो काफी हीट होते हैं, तो उसके लिए जो है, जिसकी वजह से लोग भागते थे। लेकिन Ryzen के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, Ryzen ओवरहीट नहीं होगा। एक बिल्कुल जैसे कि इंटेल का एक्सपीरियंस होता है आपके साथ में, ज्यादा हीटिंग नहीं होता, उसी प्रकार राइजन प्रोसेसर के साथ में वही है, जिसके वजह से ही अब जो राइजन के साथ जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं वो काफी स्लिम आ रहे हैं। तो आप इस मॉडल को भी देख सकते हैं, ये बहुत ही स्लिम लैपटॉप है Asus VivoWorks का। और ये जो है AMD क्वाड कोर राइजन 5 के साथ में 2500 यू प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है, 4GB DDR4 रैम के साथ में है। यहां पर भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप एक छोटी मोटी एडिटिंग्स करते हैं, छोटी मोटी गेमिंग्स वगैरह करना चाहते हैं, आप ऑफिशियल वर्क करना चाहते हैं, तो 4GB भी रैम कम नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन 8GB चाहिए यहां पर आने के बाद, अगर आपको 8GB चाहिए तो उसके लिए नेक्स्ट मॉडल है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर 4GB के साथ चाहिए आपको और 1TB हार्ड ड्राइव इसके अंदर लगी हुई है, स्क्रीन साइज 15.6 इंच ही है और विंडोज 10 के साथ में ये आएगा, तो अगर आपको ये मॉडल लेना है तो आप ये मॉडल ले सकते हैं। काफी स्लिम है, काफी खूबसूरत मॉडल है ये, आप देख सकते हैं Asus का, बहुत ही स्लिम और बहुत ही खूबसूरत, एक अच्छा कलर लुक में भी ये आपको मिलेगा और आइस गोल्ड कलर का ये आएगा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मॉडल है ये। तो आप इसको बाय कर सकते हैं अगर आप i5 के साथ जाना चाहते हैं, बजट कम है तो बिल्कुल उसी के लेवल में परफॉर्मेंस देने वाला ये लैपटॉप आपके लिए हो सकता है। मात्र 31,947 यानी कि 32,000 रुपए में आपको ये लैपटॉप मिल सकता है, जो कि आपको i5 के लेवल का परफॉर्मेंस देने वाला है बट प्राइस उससे काफी कम है। तो आप इसके साथ जा सकते हैं अगर आपको एक बेस्ट लैपटॉप चाहिए, यूट्यूब्स वगैरह चलाते हैं और एडिटिंग्स वगैरह करना है, तो आप ये मॉडल ले सकते हैं। और इन सभी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर और भी देखना चाहते हैं, इसकी और भी डिटेल्स देखना चाहते हैं, तो आप जो है लिंक पर जाएं, वहां पर आपको करंट रेट के बारे में पता लगेगा और भी नीचे आकर के आप बहुत सारी डिटेल्स इसके बारे में जान सकते हैं, क्योंकि जो भी प्राइस है ये आज के हिसाब से है और इसका प्राइस हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है। तो एग्जैक्टली प्राइस जानने के लिए, सेम डे का प्राइस जानने के लिए जो है, आप हमेशा ऑनलाइन पे जाया करें, यानी कि लिंक पर जाया करें, वहां पर जो है आपको एग्जैक्टली प्राइस के बारे में पता लगेगा और अगर बाय करना है तो डायरेक्ट ऑर्डर करके आप बाय भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये मॉडल बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे लिस्ट में वो है Asus के अंदर ही ये मॉडल है, प्रोसेसर बिल्कुल वही है, बस इसके अंदर जो है 8GB रैम DDR4 के साथ में ये आ रहा है, यानी कि 8GB रैम। अगर 4GB आपको कम लगता है तो 8GB के साथ यही मॉडल आप इसके अंदर ले सकते हैं। 8GB रैम है, 1TB हार्ड ड्राइव है, 15.6 इंच का फुल HD वाली जो है स्क्रीन है और विंडोज 10 के साथ ये भी आएगा, यानी कि यहां पर आपका जो है सिर्फ रैम बढ़ रहा है, 4GB से 8GB हो रहा है और इसका प्राइस जो आपको पड़ रहा है 35,349 रुपए, यानी कि करीब करीब 35,000-35,500 के आसपास का ये मॉडल आपको पड़ जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं 8GB ही चाहिए और बिल्कुल स्लिम मॉडल में चाहिए, तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली वही मॉडल ये वाला आप ले सकते हैं, आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। तो ये तो रहा Asus का। उसके बाद जो है हम बात करते हैं Lenovo के बारे में। तो Lenovo का ये जो है बहुत ही फेमस मॉडल चल रहा है आज के डेट में, यानी कि Lenovo IdeaPad 330 का।
Lenovo IdeaPad 330 मॉडल इसलिए ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, इसलिए लोगों का सबसे ज्यादा पसंदीदा हो रहा है, क्योंकि ये जो मॉडल है ना, ये काफी खूबसूरत, और इसकी जो खूबसूरती का सबसे बड़ा जो राज है वो है इसका थिन। बहुत ही ज्यादा ये पतला है, बहुत ही ज्यादा स्लिम है, जिसके वजह से लैपटॉप काफी खूबसूरत लगता है। आप लोगों को भी लगता होगा कि लैपटॉप जो हमारे पास हो इतना पतला हो कि जो कि देखने में काफी खूबसूरत लग रहा हो, क्योंकि लैपटॉप की जब बारी आती है या फिर मोबाइल की बारी आती है तो लोगों का सबसे पहला जो नजर होता है वो इस बात पर होता है कि वो कितना स्लिम है, कितना पतला दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर पतले में चाहिए, बजट कम है, i5 के रेंज का परफॉर्मेंस चाहिए, जबरदस्त परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप लेनोवो का ये वाला मॉडल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, बिल्कुल मजा आ जाएगा। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, Ryzen 5 2500U प्रोसेसर के साथ में 15.6 इंच स्क्रीन साइज है, 8GB रैम है, 1TB हार्ड ड्राइव है, डॉस के साथ में ये आएगा, वेगा 8 ग्राफिक, इन सभी में जितने भी इस मॉडल में मैं बात कर रहा हूं सबके अंदर जो ग्राफिक है वेगा 8 ग्राफिक लगा हुआ है, जिसके अंदर आप जो है छोटी मोटी एडिटिंग्स वगैरह कर पाएंगे, छोटी मोटी गेमिंग्स वगैरह कर पाएंगे, नॉर्मल उतना छोटी मोटी भी नहीं, प्रॉपर तरीके से एक जो है एडिटिंग्स वगैरह यूट्यूब वीडियोस के लिए अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप इन सबको बाय कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क करने वाले हैं ये सब, तो आप जो है इनमें से कोई भी लैपटॉप बाय कर सकते हैं। तो ये वाला लैपटॉप अगर आप चाहते हैं कि जेन्युइन आपको विंडोज नहीं चाहिए, आपके पास जो विंडो है वही इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप जो है इसके साथ जा सकते हैं। ये बिल्कुल सिर्फ विंडोज ना होने की वजह से डॉस यानी कि अलग से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना होगा, तो अगर आप हमेशा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से इंस्टॉल करते हैं या फिर आपके पास है आप खुद इंस्टॉल करते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं। ये एक जबरदस्त लैपटॉप आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इसका प्राइस जो है मात्र 32,490 यानी कि 32,500 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। और आप यहां पर देख सकते हैं कितना स्लिम लैपटॉप है, आप ये देख सकते हैं बहुत ही स्लिम, बहुत ही खूबसूरत लैपटॉप ये आपके लिए हो सकता है, बहुत ही प्यारा मॉडल है, बहुत ही खूबसूरत लैपटॉप है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लेनोवो के अंदर ही, कॉन्फ़िगरेशन सारा का सारा वही है, मॉडल भी वही है, बस इसके अंदर जो आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ विंडोज 10 होम मिलने वाला है, जिसकी वजह से इसका प्राइस जो है 37,990 यानी कि 38,000 रुपए हो जा रहा है। तो अगर विंडोज जेन्युइन के साथ आपको लेना है लेनोवो का 330 राइजन 5 के साथ में, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोसेसर बिल्कुल वही है यानी कि राइजन 5 का 2500U, और जो है रैम DDR4 का 8GB 1TB हार्ड ड्राइव है, विंडोज होम के साथ में आएगा, विंडोज 10 होम के साथ में आएगा, और प्लेटिनम ग्रे कलर का ये मॉडल है, तो ये भी काफी खूबसूरत मॉडल है। बट अगर आपको विंडोज का चिंता नहीं है, विंडोज नहीं चाहिए, विंडोज खुद आप इंस्टॉल करेंगे, तो आप ये वाला मॉडल ले सकते हैं इस तरीके से। तो उसके बाद जो है अगर आपको चाहिए डेल, क्योंकि काफी लोगों का पसंदीदा ब्रांड है, आज भी नहीं जी हमें तो डेल ही चाहिए, तो आप डेल का ये मॉडल ले सकते हैं। बाकी सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वही है, डेल 5575 AMD राइजन 5 में, यानी कि इसके अंदर भी प्रोसेसर बिल्कुल वही है, 2500U प्रोसेसर लगा हुआ है, 15.6 इंच का स्क्रीन है फुल HD में, 8GB DDR4 रैम लगी हुई है, 1TB हार्ड ड्राइव लगी हुई है, विंडोज 10 होम के साथ आएगा, MS Office भी इसके साथ में आएगा, वेगा 8 ग्राफिक इसके अंदर भी है। तो ये सिर्फ डेल का होने की वजह से इसका प्राइस जो कि आप देख सकते हैं 48,450 रुपए, तो मेरे हिसाब से जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन के सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, तो सिर्फ यहां ब्रांड को सिलेक्ट करना, सिर्फ डेल के लिए इतना प्राइस देना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो अगर आपको सिर्फ नहीं जी डेल ही चाहिए तो आप ये बाय कर सकते हैं राइजन के अंदर, लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन वाइज देखा जाए, परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए, तो बाकी के लैपटॉप हो सकते हैं। तो लास्ट में आप लोग कहते हैं कि अपना ओपिनियन दिया कीजिए, तो जस्ट अगर मुझे लेना होता तो मैं इन सारे लैपटॉप के अंदर से मैं यहां पर ये वाला मॉडल सेलेक्ट करता, क्योंकि लेनोवो IdeaPad का 330 मॉडल जो है वो काफी स्लिम है और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अगर मुझे लेना होता तो मैं इस मॉडल को लेता और विंडोज अलग से इंस्टॉल करता और इसको मैं यूज करता, क्योंकि सिर्फ विंडो के लिए इतना ज्यादा पैसा देना सही नहीं होगा। और यहीं पर देखिए मात्र 32,490 में, और वहां पर विंडोज के साथ अगर डेल में जाते हैं आप तो कहां 48,500 रुपए, तो यहां पर बहुत ही ज्यादा प्राइस का डिफरेंसेस आ जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको राइजन 5 के साथ जाना है यानी कि i5 के
लैपटॉप के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आप राइजन 5 को बिल्कुल बेहिचक बाय कर लीजिए, बिल्कुल जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है और बिल्कुल स्लिम लैपटॉप के साथ। सबसे बड़ी बात यह है तो आप यह मॉडल ले सकते हैं। तो यह मॉडल और उससे पिछला जो मॉडल है, अगर आसूस के साथ जाना चाहते हैं, अगर विंडोज के साथ में ही लेना है तो आप आसूस का यह वाला मॉडल बाय कर सकते हैं, 35,349 रुपए जिसका प्राइस है, यह हो सकता है। और विदाउट विंडोज अगर चाहिए तो आप जस्ट यहीं पर 8GB के साथ में यह वाला मॉडल बाय कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, कौन सा मॉडल आपके लिए सही है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करते रहें ताकि वीडियोस काफी लोगों के सामने जाए, काफी लोगों को पता लगे कि आज के रेट में कौन सा लैपटॉप उन्हें बाय करना चाहिए। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको हमेशा समय के साथ अपग्रेड्स रखते हुए आगे लेकर के चलेंगे। और अगर आपको एक बेस्ट यूट्यूबर बनना है, ऑनलाइन पैसा अर्न करना है तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल स्मार्ट सोच को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बने रहिए, इस टाइप की एक से एक वीडियोस उस पर जा रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।